इस वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप पर। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में जो कंडीशन है लूप की बॉडी के बाद लिखी जाती है, और डू वाइल ऐसे सिनेरियोज में बेस्ट सूटेबल है जहाँ पर हमने लूप की बॉडी को कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाएं, बेशक आपके रेलिवेंट उधर इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, लेकिन एडवांस आपको उन्होंने आपको वेलकम ज़रूर करना है। इसी तरह जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर आपने फ़र्स्ट टाइम पर कोई लॉगिन और पासवर्ड लगाना है तो फ़र्स्ट टाइम पर वेलकम है, अगर आपका पासवर्ड गलत है तो वो आपको कहेंगे सॉरी योर पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो इन सिनेरियोज़ में जहाँ पर एटलीस्ट वन हमने बॉडी को एग्जीक्यूट करना होता है वहाँ पर डू वाइल सूटेबल है। तो लिखते हैं डू वाइल की थ्योरी। इन डू वाइल लूप, लूप कंडीशन इज रिटर्न एट द एंड ऑफ लूप बॉडी। देयरफॉर बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन दो कंडीशन इज फॉल्स। इसका ये मतलब है कि डू वाइल की बॉडी कम से कम एक दफ़ा रन होगी इवन देन के अगर गिवन कंडीशन फॉल्स भी हो। नंबर टू, इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन दी देन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू बॉडी ऑफ लूप अगेन एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। और ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है अनटिल गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक गिवन कंडीशन ट्रू है इस प्रोसेस को दोबारा दोबारा रिपीट किया जाएगा, हर दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी और लूप कंट्रोल वेरिएबल में इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। इफ गिवन कंडीशन इज फॉल्स देन
कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आफ्टर डू वाइल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करेंगे लूप कंट्रोल वेरिएबल की। लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ लूप स्ट्रक्चर एंड इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप डू व्हाइल लूप। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन यानी के सेमी कॉलन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ व्हाइल कंडीशन एंड दिस इज ओनली फॉर डू वाइल। वाइल कंडीशन के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया जाता है और ये सिर्फ डू वाइल में होता है। उसकी वजह ये होती है कि डू वाइल में लूप की बॉडी कंडीशन से पहले लिखी गई होती है। अगर हम वाइल के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते तो जो है वाइल के बाद वाली स्टेटमेंट्स उस वाइल की बॉडी कंसिडर की जाएंगी और जो वाइल के बाद लिखा होगा वो वाइल लूप बन जाएगा और डू वाली स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती जाएंगी। वाइल के वाइल कंडीशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा होगा वो प्रोग्राम उसको वाइल लूप कंसिडर करेगा। वाइल लूप के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी वो उसकी बॉडी कंसिडर हो जाएंगी। इसलिए डू वाइल में वाइल के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है। लास्ट वन डू वाइल लूप इज बेस्ट सूटेबल व्हेन वी हैव टू रन हैव टू एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप एट लीस्ट वंस। जिन सिनेरियोज में हमने लूप की बॉडी को कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना है उन सिनेरियोज में डू व्हाइल लूप बेस्ट है। इसके बाद इसके सिंटैक्स की तरफ देखते हैं। सिंटैक्स है
डू कीवर्ड आएगा, उसके बाद बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आएंगी, उसके बाद बॉडी के अंदर ही क्या आएगा, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक चीज़ आएगी, उसके बाद लूप की बॉडी एंड, क्योंकि हमने कहा डू वाइल में कंडीशन लूप की बॉडी के बाद लिखी होती है, यहाँ पर कंडीशन आएगी और कंडीशन के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ किया जाएगा। ये थी डू वाइल की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और इसका सिंटैक्स और डू वाइल का फ्लो चार्ट और इसके सैंपल प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।